हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप लोग मेरे बच्चों? आज मैं आप लोगों से क्लास 11 की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, जिस टॉपिक का नाम है लाइबिलिटीज और एसेट्स। ये शुरुआती बिल्कुल एक स्टेज होगी बच्चे को आगे बढ़ाने में। तो अकाउंट्स जब आप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी अभी कॉमर्स ली होगी तो उनको पता नहीं होगा कि कॉमर्स अकाउंट्स क्या होती है, तो ये मेरे बच्चों बिल्कुल एक स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए कि लाइबिलिटीज और एसेट्स क्या होती हैं। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको लाइबिलिटीज और एसेट्स के बारे में पूरी चीजें समझ में आए। जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचाता रहूं। चलिए तो शुरू करते हैं मेरे बच्चों आज की वीडियो, और हमारे टॉपिक का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लाइबिलिटी और एसेट्स के ऊपर मैं आज आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं आज आपसे बात करूंगा मेरे बच्चों, वो होगा लाइबिलिटीज के बारे में। आप देख पा रहे हैं कि एक फोटो राइट साइड में जनरेट हुई है, लेफ्ट में तो मेरी फोटो है, उसे छोड़ दीजिए। लाइबिलिटी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। तो लाइबिलिटी क्या होती है मेरे बच्चों? देखो बेटा, इस प्रिंसिपल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बेसिक प्रिंसिपल बता दूं कि बिजनेस अलग होता है और ओनर अलग होता है। ठीक है बच्चों, बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, इनके बीच में एक दीवाल है और ये दीवाल अंबुजा सीमेंट से बनी है। कौन से सीमेंट से बनी है बच्चों? अंबुजा सीमेंट से, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। और ये दीवार कभी भी टूटती नहीं है, याद रखना है हमें, ये दीवार कभी भी नहीं टूटेगी। और जब भी हम अकाउंट्स करेंगे तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे बच्चों? हम सोचेंगे सर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर क्या करता है? ओनर जाए भाड़ में, हमें ओनर से कोई लेना देना नहीं। हम जब भी अकाउंट्स करेंगे हम ये कसम खाते हैं कि हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको मैं समझाता हूं कि लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है मेरे बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी मनी या जो भी पैसा बिजनेस को चुकाना है, बिजनेस को पे करना है। बिजनेस को पैसा दो लोगों को पे करना है बेटा। अभी बताया था मैंने, ओनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। तो ओनर ने भी कुछ पैसे लगाए होंगे, तो बिजनेस को कुछ पैसा तो ओनर को लौटा के देना है, जिसको हम कहते हैं बेटा कैपिटल। एक और चीज होती है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एक तो हो गया कैपिटल, बिजनेस को लौटानी है, और मेरे बच्चों आउटसाइडर्स को भी तो पैसे देने हैं ना बिजनेस को। जैसे मेरे बच्चे बैंक से लोन लिया हुआ है तो वो बिजनेस को चुकाना पड़ेगा। उधार पर गुड्स खरीदे हैं तो जिनसे खरीदे हैं ना उनका नाम रख देते हैं क्रेडिटर्स, उनको पेमेंट देना पड़ेगा। तो ऐसे ही बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो पैसा बिजनेस को चुकाना है। तो आइए एक बार समझते हैं कि व्हाट आर लाइबिलिटीज। तो इट रिफर्स टू अमाउंट जो एक फर्म को, एक बिजनेस को आउटसाइडर्स को देना है। इसमें वो अमाउंट भी आता है जो आपको प्रोप्राइटर यानी कि ओनर को देना है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, अब लाइबिलिटीज क्या होते हैं? वो उधार होते हैं जो हमने क्रेडिटर से लिया हुआ है, जिनको हमें पेमेंट करना है, हम उसको अभी पेमेंट कर देंगे। हम मतलब कौन? फर्म। इसके बाद फॉर एग्जांपल, अगर एक फर्म उधार पर गुड्स खरीदती है ए से, तो मेरे बच्चे हमें ए को पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो ए हमारे लिए क्या हो गया? एक सिंपल भाषा में बोलूं तो ए हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो गया कि हमें उसे पैसे देने हैं। अब टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितने तरीके की होती है, पहले इसको समझाता हूं फिर आपको पीपीटी से पढ़ा दूंगा बच्चों। लाइबिलिटी चार तरीके की है। कितने तरीके की है बच्चों? चार। एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल, एक है करंट और एक है नॉन करंट। ठीक है बच्चों, तो इंटरनल क्या होता है? देखो मेरे बच्चों, मैंने आपको अभी बताया कि बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग होता है, दोनों के बीच में एक दीवाल है,
दीवार अंबुजा सीमेंट से बनी है, दीवार कभी भी टूटती नहीं है, ये सब तो हम बात कर चुके हैं। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि भाई मैंने एक बिजनेस शुरू करा, मैं ओनर हूं, ये मैं हूं बच्चों, आई एम दी ओनर। अब मैंने एक मोबाइल की शॉप खोली, ये मेरी शॉप है बेटा, मुझे यही शॉप बनानी आती है, बचपन से एक ही ड्राइंग सीखी है। इस शॉप का नाम है द मोबाइल स्टोर। क्या नाम है? द मोबाइल स्टोर। ये मैंने दुकान खोली है बच्चों। तो जब मैंने ये सपना देखा कि मेरी एक मोबाइल की दुकान होगी, तो क्या सुबह मेरी दुकान खुल गई थी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा। मैंने बिजनेस में कुछ पैसे लगाए होंगे, जिनकी मदद से मैंने मोबाइल्स खरीदे होंगे, भाई एसी लगवाया होगा, बिल्डिंग बनाई होगी, तो ये सब मैंने बिजनेस में पैसा लगाया। तो बिजनेस में जो मैंने पैसा लगाया उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो क्या ये बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं है? क्योंकि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। क्या ये बिजनेस की लाइबिलिटी नहीं है कि वो ये कैपिटल मुझे वापस लौटा कर देगा? है ना? है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये घर की लाइबिलिटी है, ये पैसे बिजनेस को ओनर को देने हैं, और ओनर घर का मेंबर है। तो ऐसी लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इंटरनल लाइबिलिटी। और जो पैसे बिजनेस को बाहर वालों को देने हैं, जैसे बिजनेस ने एक डीलर है आईफोन का, जिसका नाम है मिस्टर एक्स, इनसे मोबाइल फोन्स खरीदे थे। क्या खरीदे? मोबाइल फोन्स, वो भी उधार पर, क्रेडिट पर। तो बच्चों बैंक को, बिजनेस को इन क्रेडिटर्स को पेमेंट चुकाना है, लेकिन क्रेडिटर घर के लोग नहीं है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो जो लाइबिलिटी होती है वो दो तरीके में बांटी गई। पहली लाइबिलिटी इंटरनल। इंटरनल क्या? जो पैसे बिजनेस को घर वालों को देने, घर वाले कौन हैं? ओनर हैं, उनको देने हैं, तो वो इंटरनल लाइबिलिटी है। और जो पैसे बिजनेस को बाहर वालों को देने हैं, वो बाहर वाले कौन बेटा? जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक से लोन लिया था, बैंक लोन हो गया, तो बाहर वालों के जो पैसे देने हैं उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों आगे की लाइबिलिटी की तरफ चलते हैं। एक होती है करंट लाइबिलिटी, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो भी पैसे बिजनेस को चुकाने हैं विद इन 1 ईयर। कितने बेटा? अभी कुछ मत लिखिएगा, सब नोट्स में आपको मिलेगा आगे। विद इन 1 ईयर अगर बिजनेस को कोई पैसे चुकाने हैं, जैसे क्रेडिटर को पैसा देना है बेटा, जिनसे हमने उधार पर गुड्स खरीदे थे, उनको तो विद इन 1 ईयर पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपने, जैसे मैंने मोबाइल फोन एक्स से खरीदे और मैंने कहा चिंता मत करना, आपका पेमेंट मैं 10-15 साल में कर दूंगा, तो बेटा वो मोबाइल फोन मुझे देगा? नहीं देगा। मुझे उसका पैसा 2-3 महीने में चुकाना पड़ेगा, विद इन 1 ईयर। तो वो मेरी करंट लाइबिलिटी है। और जो पैसे मुझे 1 साल के बाद चुकाने हैं, जैसे लॉन्ग टर्म मैंने बैंक से लोन लिया है, मैंने कहा है 5-6 सालों में चुका पाऊंगा, तो ये मेरी कौन सी लाइबिलिटी है बेटा? नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है? तो इंटरनल में मैंने क्या बताया? जो पैसे बिजनेस को किसको देने हैं? ओनर को। एक्सटर्नल में क्या बताया? जो पैसे बिजनेस को किसको देने? आउटसाइडर्स को। अब ये करंट लाइबिलिटी विद इन 1 ईयर, और नॉन करंट आफ्टर क्या मेरे बच्चे? 1 ईयर। तो ओनर को क्या क्या पैसे देने हैं, आइए इस पे बात कर लेते हैं। ओनर को दो तरीके से पैसे देने हैं बच्चों। एक तो देनी है कैपिटल जो ओनर ने लगाई है, और एक देने हैं बच्चों एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये क्या होते हैं अभी स्लाइड में आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, बस अभी के लिए आप ये समझ लो। एक्यूमुलेटेड मतलब होता है इकट्ठा प्रॉफिट जो बिजनेस में रखा हुआ है वो बिजनेस ओनर को लौटा कर देगा। ठीक है बच्चों? ये इंटरनल है। इन दोनों को छोड़कर कोई भी लाइबिलिटी मिले तो वो कौन सी लाइबिलिटी हो गई? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक? कोई डाउट? तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया, इंटरनल एक्सटर्नल करंट और क्या बच्चों? नॉन करंट। चलिए बच्चों तो आगे शुरू करते हैं हम लोग। अब मैं आपको स्लाइड से बताता हूं टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज के बारे में, तो फटाफट से देखना शुरू करिए। लाइबिलिटी क्या
कितने तरीके की बताई थी मैंने आपको? चार तरीके की बताई थी बेटा। एक आपको बताई इंटरनल लाइबिलिटी, एक आपको कौन सी बताई एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एक आपको बताई मैंने करेंट लाइबिलिटी, और एक आपको कौन सी बताई नॉन करेंट लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी जो भी पैसे बिजनेस को किसको देने हैं बच्चों, ओनर्स को देने हैं, उसको आप इंटरनल लाइबिलिटी कहते हो। और ओनर को क्या क्या देना है, एक तो कैपिटल देनी है और एक क्या बताया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उसको आप इंटरनल लाइबिलिटी कहते हो। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो भी पैसे बिजनेस को किसको चुकाने हैं, आउटसाइडर्स को चुकाने हैं। अब आउटसाइडर्स को क्या क्या चुकाना है बेटा, आउटसाइडर को आपको या तो आपने बैंक से लोन लिया, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आपको वो चुकाना है, या आपने उधार पर गुड्स खरीदे थे तो जिसको आपको पेमेंट करना है वो क्रेडिटर्स होते हैं, तो इसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। करेंट लाइबिलिटी मीन्स विच इज टू बी पेड विद इन कितने ईयर बच्चों, वन ईयर, वो करेंट लाइबिलिटी हो गई। और अगर आपको कोई पेमेंट आफ्टर वन ईयर करना है तो वो आपकी कौन सी लाइबिलिटी हो गई, नॉन करेंट लाइबिलिटी। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं जल्दी से स्लाइड से ही। अब इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है, द अमाउंट जो फर्म को पे करना है ओनर को, मैंने आपको बताया था ओनर को, उसको हम इंटरनल लाइबिलिटी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल कैपिटल हो गया और दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये क्या होते हैं आइए डिस्कस करते हैं। देखो मेरे बच्चों, प्रॉफिट होता है ओनर का, क्योंकि ओनर ने पैसे लगाए हैं तो ओनर को बिजनेस से रिटर्न चाहिए। अब सारा का सारा प्रॉफिट तो ओनर घर नहीं ले जाता, वो कुछ प्रॉफिट बिजनेस में छोड़ देता है ये कह के कि जा तू भी क्या याद करेगा बिजनेस, कल को अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो तेरे पास पैसा छोड़ देता हूं, लेकिन ये पैसा है किसका, ओनर का। तो बिजनेस की ये लाइबिलिटी बनती है कि ये बाद में लौटा कर दे, ओनर को देना है, इसीलिए ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो भी पैसे हमें बाहर वालों को देने हैं, आउटसाइडर को, थर्ड पार्टी को, अपार्ट फ्रॉम ओनर, उसको एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे क्रेडिटर, जिनसे आपने उधार पर गुड्स खरीदे या आपने बैंक से क्या लिया बच्चों, लोन लिया है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। करेंट लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी जिनका पेमेंट आपको विद इन वन ईयर करना है, उसको करेंट लाइबिलिटी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिजली का बिल बिजनेस में आ गया है, बिजनेस को चुकाना है, तो 15-20 सालों में चुकाएं बेटा या विद इन वन ईयर चुकाएं, ऑब्वियस विद इन वन ईयर, तो ये करेंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल, क्रेडिटर, ये सब मैं आपको पिछले बार अभी टॉपिक में समझा चुका हूं। नॉन करेंट लाइबिलिटी, ये वो लाइबिलिटी होती है जो बिजनेस को एक साल के बाद चुकानी है, अभी नहीं चुकानी, एक साल के बाद चुकाते रहना। जैसे बेटा लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय का लोन लिया, और डिबेंचर्स भी लंबे समय का लोन ही होता है, ये कंपनी के लिए होता है, इसे हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूं जल्दी से। असेट्स क्या होते हैं, असेट्स मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, ये होते हैं बिजनेस की प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे, बिजनेस की प्रॉपर्टी कहते हैं बेटा। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, कौन लगाता है, बिजनेसमैन, किसमें लगाता है, बिजनेस में लगाता है। अरे क्यों लगाता है ये प्रॉपर्टी, ये इसलिए लगाता है मेरे बच्चों क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी से कुछ रिटर्न मिलेगा या कुछ फायदा पहुंचेगा, उसे हम कहते हैं असेट। अब मैं आपके स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं। आप स्कूल में पढ़ने गए हैं और आप सबको लगता है कि आपका स्कूल बहुत 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 अच्छा है, और ऑब्वियसली बहुत अच्छा है बेटा, आपका स्कूल बहुत अच्छा है। आपके स्कूल के पास भी कुछ एसेट है, क्या क्या एसेट है, मैं आपको एसेट्स के नाम गिनाता हूं। स्कूल के पास एक तो बिल्डिंग है, स्कूल के पास बैठने के लिए आपके लिए फर्नीचर है, कहीं कहीं पर एसी भी है, उसको मशीन कह देता हूं बेटा। तो ये सब स्कूल ने क्यों लगाया, ये सब स्कूल में इसलिए लगा हुआ है ताकि उनसे बेनिफिट मिल सके, स्कूल वालों को, जो मैनेजमेंट है उसको उससे बेनिफिट मिल सके,
ये सब आपकी फीस में इंक्लूडेड है। क्या आप कभी किसी ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहोगे जिसमें बिल्डिंग ना हो, फर्नीचर की जगह आपसे कह दिया जाए आप दरी लगाइए, दरी लेकर आइए अपनी, आप चटाई पे बैठिए, आप एसी वेसी कुछ नहीं है, पंखे वंखे कुछ नहीं है, आप हाथ वाला पंखा लाइए, तो आप ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे बेटा। तो इन्हीं को एसेट्स कहते हैं। आइए इसको ब्रीफ में समझते हैं कि व्हाट आर एसेट्स। तो एसेट्स के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। एनीथिंग जो बिजनेस के पोजीशन में है या बिजनेस की खुद की प्रॉपर्टी है, इसमें वो चीज भी आती है जो पैसे बिजनेस को दूसरों से लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मोबाइल की शॉप थी, मैंने आपको अभी पीछे बताया था, दुकान का नाम आपको याद होगा, द मोबाइल स्टोर। तो मैंने बच्चों क्रेडिट पर गुड्स बेचे, गुड्स को सोल्ड करा, और वो भी कैसे करा, क्रेडिट पर। किसको करा? मैंने एक कस्टमर को करा, कस्टमर का नाम है लल्लू लाल, सिर्फ नाम से लल्लू लाल है बच्चों ये। अभी क्या करना है, मुझे इससे पैसे लेने हैं, तो ये मेरी एसेट है, इससे मुझे एक बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में मुझे इससे पैसे मिलेंगे। तो डेफिनेशन में एक पॉइंट बड़ा अच्छा दिया हुआ है, वो पॉइंट क्या दिया हुआ है कि जो पैसे मुझे दूसरों से लेने हैं वो भी मेरी एक क्या है बेटा, एसेट है। एनीथिंग जो मेरे पोजिशन में हो या वो मेरी प्रॉपर्टी हो, इसमें वो चीज भी आती है जो पैसे मुझे दूसरों से क्या करनी है बेटा, लेने हैं, वो मेरी क्या है, असेट है। एनीथिंग जिससे बिजनेस को या तो कैश मिलेगा या फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलेगा। भाई स्कूल वालों ने आपके लिए बिल्डिंग फर्नीचर लगाया हुआ है तो उनको पैसा नहीं मिल रहा उससे, लेकिन बेनिफिट मिल रहा है, कस्टमर वहां पे रुका हुआ है, स्टूडेंट्स वहां रुके हुए हैं। तो एनीथिंग विच एनेबल अ बिजनेस टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर, उसको हम लोग असेट कहते हैं। एसेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर ये डिफाइन हो जाते हैं, ये क्लियर हो जाते हैं, तभी आप उन्हें एसेट कहेंगे। पहली बात, द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल। जैसे अब आपने कहा कि सर आप हमें कोचिंग पढ़ा दीजिए, बदले में हम आपको कोई असेट देंगे। मैंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, क्या दोगे बच्चों? आपने कहा सर हम आपको दुआएं देंगे, और मैंने कहा अरे दुआएं एसेट कहाँ होती हैं? आपने कहा सर वो वैल्यूएबल है, हमारी दुआएं बहुत वैल्यू रखती हैं। तो बेटा पूरी कैरेक्टरिस्टिक सुन लो, वो कहते हैं ना रुको जरा सबर तो करो, पूरी चीजें सुन लो, वैल्यूएबल है ठीक है। रिसोर्सेज आपकी खुद की होनी चाहिए, बिजनेस के द्वारा खरीदी गई या उनके पोजिशन में होनी चाहिए। अब आप कह रहे हो सर दुआएं हमारी ही हैं, खुद की हैं हमारी, तो मैंने कहा चलो ये भी मान लेता हूं। लेकिन तीसरा पॉइंट बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे मॉनेटरी कॉस्ट यानी कि एक्वायर्ड जब करोगे तो आप उसे मनी में कन्वर्ट या मेजर कर पाओ। तो बच्चों आपकी दुआओं को मैं मनी में मेजर नहीं कर पाऊंगा तो वो एसेट नहीं होंगी। बात समझ में आ गई? एसेट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेट, टाइप्स ऑफ एसेट आइए पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। बड़े सिंपल सी बात है भाई, नॉन करेंट और क्या है बच्चों, करेंट एसेट। अब ये नॉन करेंट क्या होता है मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर स्लाइड से पढ़ा दूंगा। देखो मेरे बच्चों, बिजनेस में दो तरीके की एसेट आती है। एक एसेट वो आती है जिनको हम लोग बेचने के मकसद से लाते हैं, या जो एक साल के अंदर अंदर या तो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं या वो चेंज हो जाती हैं। तो मैंने आपको बताया या तो मैं बेचने के पर्पस से लाया था, सेलिंग पर्पस, या वो विद इन कितने ईयर बोल रहा हूं मैं आपसे, 1 ईयर कन्वर्टेड इनटू कैश। कैश में क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, कन्वर्ट हो जाएगी या कीप्स ऑन चेंजिंग, चेंज होती रहेगी। तो उन एसेट्स को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, करंट एसेट कहते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन का बिजनेस करता हूं मैं, तो मोबाइल फोन खरीदे वो मेरा स्टॉक है, और स्टॉक बेचने के मकसद से लाया था, विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या स्टॉक चेंज होता रहेगा, उसको मैं क्या बोलता हूं बच्चों, करंट एसेट। नॉन करंट क्या होगी, जो मैं बेचने के मकसद से लाया हूं या नहीं लाया हूं, सेलिंग पर्पस से लाया हूं बच्चों। बिल्कुल सही फरमाया है आपने, नहीं लाए हैं सर, सेलिंग पर्पस से नहीं लाए हैं आप, आप उसे प्रोडक्शन पर्पस से लाए हैं या आप उसे बिजनेस में यूज करने के मकसद से लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में
फर्नीचर क्यों रखा गया है? बेचने के मकसद से नहीं रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है कि उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। तो जो फर्नीचर है वो आपका एक साल से ज्यादा चलेगा। ऐसी एसेट को हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉन करेंट एसेट। ये दो तरीके की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, सी एंड टच, और छू सकते हैं, वो टेंजिबल है। इनटेंजिबल विच कैन नॉट बी सीन, आप उसे देख नहीं सकते एंड आप उसे टच भी नहीं कर सकते, उसे इनटेंजिबल कहते हैं। फर्नीचर आपका टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट के नाम गिनते हैं बच्चों, गुडविल दिखाई नहीं देती है लेकिन आप उससे पैसे कमाते हैं। एक तो मैकडोनल्ड्स है, एक लल्लू बर्गर हलवाई वाले, तो आप कहाँ जाएंगे बर्गर खाने? आप जाएंगे मैकडोनल्ड्स, भले ही महंगा होगा क्योंकि उसकी गुडविल है, गुडविल दिखती नहीं है। सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, पेटेंट्स बहुत सारे होते हैं बेटा, ये आपकी इनटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन करेंट एसेट्स डिफाइन कर रहे हैं पहले। एसेट्स जो बिजनेस में लगातार यूज होती रहें, जिनको हम बेचने के मकसद से नहीं लाते, जिनका मकसद है गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, तो जिनको हम बेचने के मकसद से नहीं लाते, ये हम पहले ही बता चुके हैं बेटा। एग्जाम्पल है लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल एक्सेट्रा, ये आपकी नॉन करेंट एसेट्स हैं, एक साल से ज्यादा चलेंगे। नॉन करेंट एसेट्स के दो पार्ट हैं, एक तो टेंजिबल है बच्चों और एक इनटेंजिबल है। टेंजिबल देखिए आपको दिख रहा है, घर, गाड़ी, पैसा, बिल्डिंग, ठीक है बच्चे, आपकी जमीन, ये सब टेंजिबल है। इनटेंजिबल के देखिए, कॉपीराइट, पेटेंट्स, गुडविल, ये सब आपकी क्या है बेटा? इनटेंजिबल। तो द एसेट जिनको आप देख सकते हो और छू सकते हो वो टेंजिबल है। वो एसेट जिनको आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, प्रेजेंस फील हो सकती है, मनी में कन्वर्ट हो सकती है, उनको आप इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। आइए करंट एसेट पर आए। जो एसेट आप बेचने के मकसद से लाए हो या जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, मैं पीछे बता चुका हूं विद इन कितने ईयर बेटा, 1 ईयर, या इन एसेट्स को हमने एक और नाम दिया है क्योंकि इनकी जिंदगी बड़ी छोटी है, एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी या बिक जाएंगी, तो इनको शॉर्ट लिव एसेट या एक्टिव एसेट भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं डेटर्स, एक साल के अंदर अंदर पैसा उनसे मिल जाएगा। डेटर कौन होते हैं? जिनको हमने उधार पर सामान बेचा है। स्टॉक एक साल में बिक जाएगा, नहीं बिका तो बेटा बिजनेस करना बेकार, बंद कर दो बिजनेस, और क्या, स्टॉक एक साल के अंदर नहीं बिकेगा, कैश एक साल के अंदर अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इनको हम लोग फ्लोटिंग एसेट या सर्कुलेटिंग एसेट भी कहते हैं क्योंकि इनके जो नेचर है वो लगातार चेंज होता रहता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, इसीलिए इसे फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। एक और बात है बच्चों, इनको हम बैलेंस शीट में लिक्विडिटी ऑर्डर में दिखाते हैं। लिक्विडिटी ऑर्डर मतलब जो पहले कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कैश ही है पहले, वो पहले आएंगे, जो बाद में कैश में कन्वर्ट होंगी वो बाद में, ठीक है बच्चों, इसे कहते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर। अब एक और एसेट है जो हमने पीछे नहीं पढ़ी लेकिन मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट। तो सर ये पीछे क्यों नहीं पढ़ी हमने? बेटा इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि ये एसेट होती नहीं, ये झूठ मूठ की एसेट है, नकली एसेट, ठीक है, उल्लू बना रहे हैं, ये कोई एसेट नहीं होती। कुछ एसेट्स होती हैं जिनको हम लोग एसेट साइड में लिखते हैं मगर उनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, ना तो कोई मॉनिटरी फॉर्म में, ना कोई रिटर्न मिलेगा, बस उन्हें एसेट साइड में दिखा दिया। ऐसे एसेट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? फिक्टिशियस यानी झूठ मूठ की, या नॉमिनल एसेट। ये एसेट वो होती हैं जो एसेट साइड में होती हैं, लेकिन वो क्यों होती है? क्योंकि वहां से हमें उसे उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। कुछ एसेट होती हैं जिनको हमें धीरे धीरे करके राइट ऑफ करना होता है, ये आप न्यूमेरिकल करोगे तो और अच्छा समझोगे, इसी को हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। इससे हमें ना तो कैश मिलेगा ना हमें कोई फर्दर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल
पीएनएल का लॉस डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके फिक्टिशियस या नॉमिनल एसेट के। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जिसको भी ये समझ में आया हो आप मुझे करंट एसेट्स के दो एग्जांपल और दीजिए अपार्ट फ्रॉम विच जो मेरी स्लाइड में है। आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।